देखो ये कुछ अलग अलग छोटे मोटे टॉपिक्स है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर अभी के अभी लाइव बता सकता हूँ। चॉइस इज योर कि आपको किस तरह का एक्सपेरिमेंट अभी देखना है। अलग अलग काली के कमांड्स, कुछ फंडा है जिसके थ्रू हम विंडोज का पासवर्ड हैक कर सकते हैं, ये कुछ की लॉगर ऐसा कुछ फंडा है कि जिसके थ्रू आप सामने वाले का, खुद का या किसी और का भी कीबोर्ड एंड माउस का जो भी एक्शन करता है वह रिकॉर्ड कर सकते हो कि वो क्या टाइप कर रहा है, कहाँ पर जा रहा है, क्या सर्च कर रहा है, पूरा सब कुछ। फिर मेटास्प्लॉइट आपको थोड़े बहुत मैंने समझाया आपको, तो मेटास्प्लॉइट का अटैक करा सकता हूँ। डायरेक्ट लाइव आपको वायरस बनाना भी सिखा सकता हूँ। वेबसाइट कैसे क्लोनिंग करनी है, जैसे कि मान लो अभी आपको बताया बग बाउंड्री करना है, तो डायरेक्ट आप इस तरह लाइव करने मत भूल देना। मुझे एक्सपीरियंस है, बहुत बार किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट उस हिसाब से मैं डायरेक्ट ढूंढ रहा हूँ। आपको मालूम है मैं डायरेक्ट वेबसाइट अलग अलग क्लिक करके खोल के नहीं सर्च की, मैंने डायरेक्ट गूगल में ही अलग अलग फंडा सर्च करके कुछ डायरेक्ट एक पॉइंट के ऊपर हिट कर रहा था और वो कुछ ढूंढ रहा था। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट नहीं करना। तो वैसे ऑफलाइन अटैक करने ना ट्राई बेस्ट रहेगा कि भाई क्या है, उस वेबसाइट में डायरेक्ट लाइव अटैक मत करो, लेकिन उसी वेबसाइट एक कॉपी बना लो अपने कंप्यूटर में ही, एंड फिर बैठे बैठे उसमें से एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग बग, वल्नरेबिलिटी, वीक पॉइंट, खामी ढूंढने की ट्राई करो। तो उसका एक फंडा होता है वेबसाइट क्लोनिंग, किस तरह से आप किसी वेबसाइट का पूरा कॉपी कर सकते हो, एंड एक फेसबुक का पासवर्ड और फंडा। ये कुछ अलग अलग फंडे हैं। सो यहाँ पर मुझे आंसर कंपलसरी चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, उस टॉपिक को मैं अभी के अभी यहाँ पर लाइव आपके सामने बता सकता हूँ, कोई भी एक। ठीक है, सार्थक का रिप्लाई ऑलरेडी आ चुका है, बाकी सबके लिए मैं पूछ रहा हूँ फटाफट। देखो ये हमारा विंडो 10 है और मैं यहाँ पर विंडो 10 में ले जा रहा हूँ, वर्चुअल मशीन बनाया हुआ है। ओके सो वर्चुअल मशीन के बारे में सबको मालूम हो तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी। बेसिक के लिए समझा दूँ, ठीक है, कि ऐसा ही सिंपल एक दूसरा फंडा या पैरेलल स्पेस ऐसा कुछ आता है मोबाइल के लिए कि आप एक ही चीज दो बार यूज कर सको। तो वैसा ही कुछ फंडा कंप्यूटर के लिए होता है कि आप एक ही कंप्यूटर में दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में रख सकते हो। कितने लोगों को मालूम है, यस और नो मुझे फटाफट लिख दो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करते। यस और नो फटाफट लिख दो। कनेक्शन ओके, यस नहीं, ठीक है, मतलब मैंने आपको एक दो लाइन में बता तो दिया ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तो अच्छा है, आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, वरना अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये जस्ट एक विंडो 7 है। आप विंडो 10 को भूल जाओ, जस्ट ये अंदर वाला आपका कंप्यूटर, उतना याद रखो। तो अब यहाँ पर शुरुआत करते की लॉगर वाला फंडा, ठीक है। देखो आपको लिंक एंड सब कुछ तो मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करके जो यूज करना है, तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैसे डाउनलोड करना है सब कुछ फंडा। अंदर मैंने फायरफॉक्स नाम का ब्राउजर खोला, ओके, एंड यहाँ पर आप सिंपल सर्च कर सकते हो। एक है मेन जो सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा है, वो है एक्चुअल की लॉगर, एक्चुअल की लॉगर। ये जो है ये नॉर्मली अदर की लॉगर से सबसे ज्यादा अच्छा है कि जिसके अंदर सब कुछ फंडा आपको मिलता है, ठीक है। एक्चुअल की लॉगर देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन। तो अब इस जाके तो आप नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, आपको मालूम है किस तरह डाउनलोड करने, क्लिक करो आपको ऑप्शन दिखेगा। मोस्टली ऐसे ऑप्शन होते हैं 32 बिट या 64 बिट, कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन होते हैं लिनक्स के लिए करना है कि विंडोज के लिए। देखो यहाँ पर अलग अलग, ये क्या है, विंडोज के लिए, तो डाउनलोड करो ये कुछ फंडा है, ठीक है। और जरूर नहीं कि यही करो, आप अलग अलग ढूंढ रहे तो आप एक्चुअल हटा दो, सिर्फ क्या रखो की लॉगर, क्या करना है की लॉगर डाउनलोड। तो बोल मुझे देखो स्पायरिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बेस्ट की लॉगर, ये अलग अलग फंडा है, रेपोज है, अलग अलग फंडा है, फाइलिपो के आपको मिल जाएगा फ्री की लॉगर, अलग अलग फंडे। एंड मैं यहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं दूंगा भाई यही वाला की लॉगर आपको डाउनलोड करके यूज करना, इट्स डिपेंड ऑन यू। एथिकल हैकिंग और हैकिंग इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आपको जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका तो आपको डाउनलोड की लिंक या डायरेक्ट सेटअप फाइल आपको भेज सकता हूँ कि हाँ भाई आप ये यूज करो, लेकिन ऐसा भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कल ही कुछ नया वर्जन आके लॉन्च हुआ हो तब वो भी ट्राई कर सकते हो। यस्टरडे वाली बात नहीं करा, अगले दिन की। मान लो मैंने अभी आपको पढ़ाया, मैंने आपको सेटअप दे दिया, आपने डाउनलोड कर यूज कर रहे हो, लेकिन कर आपने फिर सर्च किया आपको कुछ नया दिखा, आपको मालूम है कि एथिकल हैकिंग या फिर इंटरनेट की जो फंडे है, ये जो फील्ड है,
कैसा है, डे बाय डे अपडेट होता रहता है, ठीक है, कैसा कुछ फंडा है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ एक सेटअप मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैं डाउनलोड सेक्शन खोलता हूँ, यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, फेसबुक लॉग इन, फेक फेक पासवर्ड लॉग इन, इंस्टाग्राम फेक कार्ड, एक एक्चुअल की लॉगर भी है, फायरफॉक्स फेक एप्लीकेशन जी नहीं सकता, ओके आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो डाउनलोड कर लेते। कि एक्चुअल की लॉगर में ऐसा है, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एक्चुअल की लॉगर में क्या होगा कि वो सिक्योरिटी देता है, उसमें फीचर्स भी ज्यादा है, लेकिन क्या होगा कभी कभी वो मैक एड्रेस आपका डिटेक्ट करता है, यानी कि फिर आप उसको बार बार उसी कंप्यूटर में यूज नहीं कर पाओगे, थोड़े टाइम लिमिटेड हो देता है, हर बार वो आप यूज नहीं कर पाते, तब दूसरा भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ओके एक दूसरा है ये रहा, देखो रिव्यूलर की लॉगर, ठीक है, ऑलरेडी लॉग इन है, लेट मी चेक, क्योंकि अपडेट करने का बता रहा है और अनइंस्टॉल आ रही है, यानी कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, कैंसल इंस्टॉलेशन, लेट मी चेक, दूसरी बात अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, अगर मैं आपको बाद में सेटिंग सब कुछ बताऊंगा कि आप यहां पर नहीं देख पाओगे उसको कि यहां पर चल रहा है उसका फंडा, ना तो आपको यहां पर भी दिखा कि भाई ये कुछ चालू है कि नहीं, ठीक है। आप टास्क मैनेजर में जाके यही वाला फंडा सर्च करना चाहो तो सर्च कर सकते हो, सर्विसेज के अंदर आर के रिमोट RS रिमोट रजिस्ट्री RPC ओके नॉट इन दैट, सो इन द प्रोसेस BWM एक्सप्लोरर फायरफॉक्स इंटीग्रेटर, नहीं यहाँ पर नहीं भी कुछ भी आर के जैसा या ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये अभी के लिए बंद है, तो बेटर है कि हम अपडेट ही कर देते। अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ, यस एंड अपडेट, देखिए ओपन हो चुका है, और अगेन फ्री वाला है तो उसके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो देखो यहाँ पर उसने उसका कुछ दूसरी वेबसाइट का मार्केटिंग किया है, ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर दिया, ताकि आप यहाँ पर उसकी एड देखो और सब कुछ करो, अच्छा लगे तो आप बाय कर लो, जाने दो, यहाँ पर देखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट कुछ अलग है, स्क्रीनशॉट देखने के लिए परचेस करना पड़ेगा भाई, डायरेक्ट फोटो नहीं, 30 स्ट्रोक आप यहाँ पर है और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है। नॉर्मली मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सब कैसे हाइड होता है, अभी तो आपको दिख रहा है, बाद में हाइड भी हो जाएगा, बैकग्राउंड में करता रहेगा, अभी के लिए फिक्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मान लो कि मैं खोल रहा हूँ फायरफॉक्स, FIR लिखा और एंटर किया, फायरफॉक्स खुल गया, मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्ट मान लो gmail.com, मान लो मुझे गूगल में लॉग इन करना है तो gmail.com मैंने लिखा, एंटर किया, ऑब्वियसली जीमेल वाली वेबसाइट आ गई, साइन इन पे क्लिक करो। नॉर्मली देखो आपको अगर मालूम है कि आपको क्या लॉग इन करना कैसे जाते, इस तरह चलते हो, ईमेल आईडी थोड़ा स्मार्ट है जीमेल, आपको मालूम है सब डिटेक्ट कर लेता है, यहाँ पर मान लो ईमेल आईडी डालता हूँ निकुंज गोहिल 00001, ऑब्वियसली मेरी रियल ईमेल आईडी तो दूंगा नहीं, माई प्राइवेसी सिक्योरिटी, सो मैं कुछ उल्टा उल्टा ईमेल आईडी निकुंज गोहिल के बाद 50 के बाद बने, ऐसा कुछ मैंने ईमेल लिखा है @gmail.com, तो ये वाला फंडा नेक्स्ट होगा तो बताएगा वरना नहीं, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, ओरिजिनल यूजर जो होगा क्या करेगा, खुद का रियल ईमेल आईडी डालेगा, तो आपको मालूम यहाँ पर जीमेल नेक्स्ट कर देता है, फिर पासवर्ड डालेगा तो पासवर्ड भी आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको इतना दिखा दी, इतना इसने क्या किया डिटेक्ट कि नहीं, इसने कुछ डिटेक्ट किया कि नहीं, स्टॉप 16/2 देखो यहाँ पर दिख रहा है, डेट के आप हिसाब से देना, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था 24/11, अभी 16/10 के आप डेट देख पा रहे हो और टाइम भी आप देख पा रहे हो, तो आप इसको क्लिक करो तो आपको यहाँ पर दिखा गया है, देखो मैंने पता है स्टार्ट बटन दबाया था सर्च करने, तो देखो स्टार्ट मेनू, फिर मैंने क्या लिखा था FIR, तो देखो FIR दिखा आ गया टाइम के साथ, भी इस टाइम उसने FIR लिखा था, फिर क्या क्या था एंटर, तो क्या खुला था मोजिला फायरफॉक्स खुला था, फिर मोजिला फायरफॉक्स उसके अंदर क्या लिखा था तो जीमेल डॉट कॉम, उसके अंदर क्या लिखा था जीमेल के अंदर चले गए टैब के अंदर, फिर
वहां पर क्या लिखा था, देखो निकुंज गोहिल 001 @gmail.com।